माय नेम इज मुख्यमंत्री। इस एपिसोड में हमारे साथ वो नहीं जो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, वो शख्स हैं, वो अभिनेता हैं जो मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी के पास वापस आए हैं। जिनके पिता कांग्रेस पार्टी में थे, अभिनेता से बड़े नेता बने। वो अभिनेता तो हैं लेकिन नेता नहीं बन पाए। समाजवादी पार्टी कभी अमर सिंह के साथ इधर उधर रहने के बाद वापस संजय दत्त लौटे हैं कांग्रेस में, कांग्रेस के लिए प्रचार करने। हमारे साथ कांचा चीना कांग्रेस के साथ अब है हमारे साथ। जी हाँ, संजू बाबा संजय दत्त हमारे साथ। घर वापसी? बिल्कुल सही कहा आपने, घर वापसी। क्या हुआ था आखिर जो आप समाजवादी पार्टी में चले गए, फिर अमर सिंह जी के साथ, जयप्रदा जी के साथ रहे, और क्या हो गया जो आप वापस आ गए? देखिए, मैं हमेशा हमारे जो दत्त खानदान में उनके रगों में हमेशा कांग्रेस का ही खून दौड़ता है और हमेशा दौड़ता रहेगा। और उस वक्त जब मैं समाजवादी पार्टी में भी था तब भी मेरा दिल कांग्रेस में, कांग्रेस से ही जुड़ा हुआ था हमेशा। फिर क्यों चले गए थे वहाँ पर? ये वजह मैं प्रेस को नहीं बताऊंगा, लेकिन ये वजह बिल्कुल, अगर मुझे मौका मिले तो मैडम और राहुल जी से बात करूँगा। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया और मैं बस दिल खोल कर कांग्रेस के साथ रहूंगा। आप यहाँ तक पहुँच गए थे कि आपने कांग्रेस के जो कानून मंत्री थे उनका स्टिंग तक कर डाला था? जी, कांग्रेस के जो कानून मंत्री थे हंसराज भारद्वाज, उनका तक स्टिंग कर डाला था? मैंने नहीं किया। आपने नहीं किया? नहीं। आपके साथ अमर सिंह भी थे? मेरे साथ नहीं थे। नहीं थे? नहीं। तो फिर क्या था उस वक्त? तो बड़ा शिगुफा, अमर सिंह जी और आप दोनों मिलकर बोलते थे कि अमर सिंह जी आपके बगल में बैठकर बोला करते थे स्टिंग हुआ, स्टिंग हुआ। देखिए, अमर सिंह जी मेरे लिए नेता नहीं है, वो नेता नहीं है मेरे लिए, वो एक बड़े भाई जैसे हैं। मैंने उनको कभी नेता नहीं माना है और मैं हमेशा उनकी हेल्थ के लिए प्रार्थना करूँगा और हमेशा एक भाई की तरह। वो भी कैंपेन कर रहे हैं यूपी में लोकमंच के लिए, वो और जयप्रदा, उनके लिए भी जाएंगे आप कैंपेन करें? उन्होंने कहा कि तुम कांग्रेस के लिए, अमर सिंह ने कहा आप कांग्रेस के लिए कैंपेन कर? बिल्कुल, वो हमेशा कहते भी थे जब मैं समाजवादी पार्टी में था, वो मुझे बोलते थे कि तुम्हारा दिल वहाँ है और हमेशा तुम वहीं चले जाओ। और ये आप उनसे पूछ सकते हैं। यूपी के चुनाव में आपको कांचा चीना कौन लगता है और विजय दिनेनाथ चौहान कौन लगता है यूपी का अग्निपथ में? देखिए, मैं ये अपने भाषण में बोलूँगा कि मैं ना मुन्ना भाई हूँ ना कांचा चीना बन के आया हूँ। मैं संजय दत्त हूँ, नरगिस सुनील दत्त का बेटा, प्रिया दत्त का भाई, और अपने घर वापस लौटा है। संजू बाबा अच्छा लगता है या दत्त साहब कहलाना अब? संजू बाबा। जहाज के बाद आगे का सफर तय होगा सड़कों पर संजू बाबा यानी कांचा चीना का कांग्रेस के लिए। सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान राहुल गांधी जी। बदले हुए संजय दत्त ने अपने ननिहाल से अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। बदल चुकी है पार्टी, कांग्रेस पार्टी के साथ है वो। जानते हैं अग्निपथ का डायलॉग बोलना पड़ेगा, लेकिन डायलॉग भी बदला हुआ होता है। सर्वशक्तिमान अब वो राहुल गांधी को बताते हैं। ये है कांचा चीना का नया अंदाज। निकल रहे हैं अगली रैली के लिए।
कांचा कौन है? कांचा संजय दत्त है। देखा अभी? हाँ, अगली बार। कैसा लग रहा था कांचा? बहुत टॉप लग रहा था। टॉप लग रहा था। NDTV's cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. NDTV.com/apps.